और इस तरह से लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जो है वो आज 13 मई को शाम 5 बजे से समाप्त हो गया। पलामू के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं और पलामू के जो उपायुक्त हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी कि पलामू में जो तमाम बूथ बनाए गए थे, 2427 बूथ, उन तमाम जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करा लिया गया है और मतदान कर्मी अब धीरे धीरे कर ये क्लस्टर की ओर और फिर स्ट्रांग रूम की ओर लौटने लगे हैं। आपको बता दें कि आज 13 मई को सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, मतदाताओं का हौसला बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास जिला प्रशासन की ओर से किए गए थे। जगह जगह पर रंगोली बनाकर, मतदाताओं के हाथों में मेहंदी लगाकर, इस तरीके की अलग अलग तरीके की एक्टिविटी के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा था कि अधिक से अधिक मतदाता निकलें, आएँ और वोटिंग करें। लेकिन जो प्रतिशत रहा, अंततः शाम के 5 बजे जिला प्रशासन ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक उतनी ज़्यादा सफलता दिखती नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि अगर पिछले बार की बात करें तो पिछले बार 63% के आसपास में मतदान हुआ था, लेकिन आज शाम तक जो आंकड़े आए हैं वो 59.99% ही हैं, जो कल तक और बढ़ जाएगी। क्योंकि 5 बजे के बाद भी कई जगहों पर लोगों की कतार लगी हुई थी, संभवतः 7, 7.5, 8 बजे तक मतदान कुछ एक जगहों पर चलने की सूचना जिला प्रशासन की ओर से दी गई है। इसी बीच अगर हम सुरक्षा की बात करें तो अलग अलग जगहों पर पुलिस के बल के काफ़ी संख्या में तैनाती की गई थी। जो जानकारी है उसके मुताबिक 40 कंपनियां अलग अलग जगहों से बुलाई गई थी, जो विभिन्न बूथों पर तैनात थी पूरी मुस्तैदी के साथ। खास करके इस बार के चुनाव में जो अलग चीज़ देखने को मिली कि जो शहरी क्षेत्र का जो इलाका था उस जगह पर महिला पुलिसकर्मियों को लगाया गया था, महिला पुलिसकर्मियों के जिम्मे ही वो तमाम बूथ थी। इसके अलावा पिंक बूथ भी बनाए गए थे जहां मतदान कर्मी से लेकर सुरक्षा कर्मी तक तमाम लोग जो हैं वो महिलाओं को लगाया गया था। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कई अलग चीज़ें दिखाई गई थी और स्वीप को लेकर जो कार्यक्रम हुआ था उसका यह परिणाम हुआ कि लोग निकले। हालांकि मौसम भी काफ़ी झुलसाने वाला था, धूप भी था, लेकिन इसके बावजूद जो ग्रामीण इलाके से रुझान आ रहे थे उसमें मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। क्या बुज़ुर्ग, क्या महिलाएं और क्या जो नए यूथ वोटर हैं वो तमाम लोग निकलकर आएं और पलामू में जो लोकसभा का चौथे चरण का जो मतदान संपन्न हुआ उसमें 60% तक मतदान किया गया, 60% तक वोटरों ने निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लॉ रिप्लेस किया गया, जो वीवीपैट है और 25 रिप्लेस किया गया, बाकी सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से चला है। जो वोटिंग पर पूरी परसेंटेज है मेरा, अभी जो ट्रेंड के हिसाब से 5 बजे तक का 60% के अप्रोक्सीमेटली है, जो कि इंक्रीज करने की संभावना है, 2% इंक्रीज करेगा, जिसका फाइनल फिगर कल आप लोगों को अंतर्गत बहुत जगह पे लोगों को टच करने की, जो यंग वोटर्स है, महिलाएं वोटर्स है, बुजुर्ग है, सबको, जो 80+, 85+ है, होम वोटिंग वाले सबको टच करने की कोशिश की और एक अच्छा रिस्पॉन्स लोगों के पीछे मिला है। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी लेकिन उसके बावजूद भी लोग घर से निकल के बाहर आए, इसलिए हम सब और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से हमारे जो वोटर के लेकर के किसी प्रोग्राम में चलते रहे। इस बीच अगर हम बात करें इस लोकसभा चुनाव की, तो नक्सल इलाके में भी बम्पर वोटिंग होने की सूचना मिली है। क्योंकि खास करके जो बूढ़ा पहाड़ का इलाका है वहाँ काफ़ी लंबे अरसे तक से वोटिंग नहीं हुई थी, लेकिन इस बार जिला प्रशासन और राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद पहली बार वहाँ लोग निकले घरों से और अच्छी खासी वोटिंग की सूचना बूढ़ा पहाड़ के इलाके से भी है। इसके अलावा अगर ग्रामीण इलाके की बात करें तो ज़िले के कई टॉप अधिकारी नक्सल इलाकों में खुद मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। पलामू के SP को आप देख सकते हैं कि पलामू के SP अलग अलग क्षेत्रों में बूथों का निरीक्षण करते हुए नजर आए। उन्होंने बूथों का निरीक्षण किया, वहाँ जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहीं किसी तरीके के कोई परेशानी नहीं हो इसका मॉनिटरिंग खुद कर रहे थे। इसके अलावा मुख्य जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पलामू के उपायुक्त हैं, अगर हम उनकी बात करें, वो भी कई बूथों पर निरीक्षण करते नजर आए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पलामू क्लब स्थित बूथ में जाकर अपना मतदान भी किया। इसके अलावा ज़िले के अन्य अधिकारियों के द्वारा भी अपने अपने बूथों पर जाकर मतदान किया गया। क्योंकि ये लोकतंत्र का जो महापर्व है इसमें सबों की भागीदारी आवश्यक है, सबों की भागीदारी सुनिश्चित हो इसके लिए जी जान से प्रयास भी किया गया था। और इसी का संदेश देने के लिए जो ज़िले के पहले नागरिक उपायुक्त होते हैं उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जाकर पलामू क्लब में मतदान किया था। जो उत्साह है लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में भागीदारी दे रहा हूँ, काफी उत्साह है। निदान में मणि का अधिकार है वोट देने का, हम 1962 से वोट दे रहे हैं। वोट देने के लिए फर्स्ट बार तुरंत जैसे ही लाइन लगा सेकंड बार में हम दिए। फर्स्ट टाइम डाल्टीगंज मतदान दे रही हूँ,
और बहुत अच्छा लगा, और मेरा तीसरा नंबर पर था जिससे मैं वोट दे के आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। कितना आज यहाँ देखिए हैं, आज 13 तारीख को मतदान करना है हम लोग को, पूरे पब्लिक में बहुत ज्यादा उत्साह है, खास करके हम लोग बीएलओ हैं और हम लोग रंगोली और मेहंदी के पब्लिक को जागरूक। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कुल 22,43,034 मतदाताओं को चिन्हित किया गया था जिन्हें वोट डालना था, लेकिन मतदान का जो प्रतिशत है वो 60% रहा है। इसके अलावा अब देखना यह होगा कि जो 9 प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव के मैदान में, किन प्रत्याशियों का भाग ईवीएम में बंद हुआ है, जिसकी किस्मत का फैसला 4 जून को होने वाला है। अब आज के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, 4 जून को काउंटिंग इसी जीएलए कॉलेज के परिसर में किया जाएगा। इसके पूर्व आपको बता दें कि आज का जो दिन भर का जो मतदान का प्रतिशत रहा और मतदान का रुझान जो रहा वो धीरे धीरे करके बढ़ता गया। 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई उसे अगर हम देखेंगे, 9 बजे जो पहला रिजल्ट आया वो 11% तक था, उसके बाद फिर जो 11 बजे जो आया रिजल्ट उसमें 26%, 2 बजे जो आया उसमें 52%, और इसे अंततः 5 बजे जो रिजल्ट आया वो 60% तक गया है। तो इस तरीके से मतदाता वोट का प्रतिशत धीरे धीरे कर बढ़ता गया, लेकिन जितनी उम्मीद की जा रही थी और जिला प्रशासन की ओर से भी जितनी उम्मीद थी उसके वनस्पत वोट का प्रतिशत थोड़ा कम रहा, वोटिंग स्लो प्रक्रिया से की गई ऐसा कुछ अनुमान लगाया। जिला प्रशासन की ओर से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पलामू के उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बताया कि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान 5 अलग अलग मामलों में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। कुछ एक जगहों पर हिंड्रेंस की सूचना थी जिसके एवज में प्राथमिकी दर्ज की गई है, कुछ जगहों पर पर्चा बांटने के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, और छीटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो पूरी तरीके से पलामू में जो पूरा मतदान का प्रतिशत रहा है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव है, पलामू जिले का लोकसभा चुनाव है, उसके अंतर्गत 6 विधानसभा आते हैं, 6 विधानसभा में अलग अलग वोट प्रतिशत के हिसाब से चुनाव संपन्न कराया गया है, और पूरे विधानसभा को लेकर जो तैयारी थी जिला प्रशासन की उसे एक तरीके से कह सकते हैं कि सुव्यवस्थित ढंग से तैयारी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज जो 13 मई को जो वोट का जो रुझान अंततः बताया गया वो बिल्कुल सार्थक और सफल तरीके से बताया गया। कैपिटल न्यूज़ ने अलग अलग जगहों से आपको खबरों से अपडेट कराता रहा है, आप बने रहिए कैपिटल न्यूज़ के साथ। मतदान होना था शांतिपूर्वक, पलामू जिले में कम्प्लीट हो गया है, और जो हमारा पार्टी है उसका रावल भी स्टार्ट हो गया है। मोटा मोटी आज 2200 पार्टी आ जाएगी और 200 पार्टी कल आएगी, और इस पूरे इलेक्शन के दौरान कहीं भी कोई वायलेंस नहीं नज़र आया। 5 FIR किया गया, इसमें 1 FIR इसलिए किया गया है लोग जो है कुछ लोगों को बूथ पर मतदान जाने से रोक रहे थे, और बाकी 4 FIR इसलिए किया गया कि पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने पर्ची जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी उसमें पार्टी का सिंबल और पार्टी का नारा लिखा हुआ था, जिसमें इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश उसके बाद उसमें कई जगह 1 FIR किया गया है।